आज हम बनाएंगे पालक की एकदम डिफरेंट स्टाइल वाली सब्जी जो हेल्दी भी है और टेस्टी भी। पालक हमारे लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा में आयरन होता है और इसकी ये सब्जी बहुत ही लाजवाब बनती है। तो चलिए हमारी ये हेल्दी और टेस्टी रेसिपी को शुरू करते हैं। इस पालक की सब्जी को बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए एकदम ग्रीन ग्रीन पालक। तो पालक का सीजन आ गया है और इस समय बहुत अच्छे पालक भी मिल रहे हैं। तो पालक को हमें अच्छे से धुल के इस तरह से काट लेना है, बारीक बारीक काट लेना है। और उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे। नमक डालने से पालक एकदम सॉफ्ट हो जाएगा और जो हम सब्जी बना रहे हैं उसके लिए पालक का सॉफ्ट करना थोड़ा ज़रूरी है। उसके बाद इसको हम थोड़ी देर के लिए रख देंगे तो इसमें थोड़ा थोड़ा पानी रिलीज हो जाएगा। तो देखिए कितनी क्वांटिटी थी, अभी पालक की क्वांटिटी काफ़ी कम हो गई है और देखिए इसमें पानी भी निकलने लगा है। तो इसका जो एक्सेस पानी है उसको हम हाथों से थोड़ा थोड़ा दबा के निकाल लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी इसमें रहना चाहिए, बहुत ज़्यादा पानी नहीं रहना चाहिए। और निचोड़ने के बाद जो पालक का पानी निकलेगा उसे हमें फेंकना नहीं है क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है। तो आप चाहें तो जो हम सब्जी बना रहे हैं उसी सब्जी में आप डाल सकते हैं, या फिर आटा गूंथ सकते हैं, या फिर कोई और सब्जी बना रहे हैं, दाल बना रहे हैं, तो आप उसमें इस पानी का यूज कर सकते हैं। तो इसको पानी को हम साइड में रख देते हैं। और ये जो पालक हमने निचोड़ा है उसमें हम आधा छोटा चम्मच जीरा डालेंगे और 1/4 चम्मच हम इसमें लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, आधा छोटा चम्मच हम इसमें धनिया पाउडर डालेंगे और 1/4 चम्मच हम इसमें गरम मसाला पाउडर डालेंगे और स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे। तो पहले अभी हमने हल्का सा नमक डाला हुआ था तो इसलिए मैंने थोड़ा ही नमक डाला है। और थोड़ा सा हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे और उसके बाद अब इसमें हम बाइंडिंग के लिए बेसन डालेंगे। तो ध्यान रखना है बेसन बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, तो थोड़ा थोड़ा करके हम बेसन डालेंगे। और जितना क्वांटिटी हमें बेसन चाहिए कि ये अच्छे से मुट्ठी में बन जाए उतना ही बेसन डालेंगे। तो मैंने यहाँ पर 4 चम्मच बेसन डाला है और इसे अच्छे से हम मसल लेंगे। तो जैसे इकट्ठा होने लगे और इसकी गोलियां बनने लगे तो बस उतना ही बेसन डालना है। बहुत ज़्यादा बेसन आप डाल देंगे तो इसका जो बॉल्स है वो थोड़ा हार्ड हो जाएगा, इसलिए बेसन की क्वांटिटी उतना ही डालनी है जितने में आराम से बॉल इसकी बन जाएगी। देखिए तो अभी इसकी बॉल अच्छे से बनने लगी है। तो इसी तरह हमें छोटे छोटे इस तरह से बॉल सारे तैयार कर लेने हैं। तो आप इसका शेप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, आप चाहे तो इसे रोल में भी बना सकते हैं या फिर गोल या फिर टिक्की जैसा बना सकते हैं, कोई भी शेप दे सकते हैं। अब हमने कढ़ाई में पानी रख देना है और एक छन्नी रख देनी है, मैंने आटे वाली छन्नी ली है, उसे हमें ग्रीस कर लेना है जिससे ये चिपके ना। और सारे बॉल्स को हम इसमें रख देंगे स्टीम होने के लिए। तो इसे ढक करके हम लो टू मीडियम फ्लेम पर 10 मिनट के लिए स्टीम कर लेंगे। 10 मिनट में ये बहुत अच्छे से स्टीम हो जाएगा। तो जब तक ये स्टीम होता है हम ग्रेवी तैयार कर लेते हैं। तो हम एक कढ़ाई में तेल डालेंगे। आप चाहें तो पालक के जो हमने बॉल्स को स्टीम करने के लिए रखा है उसे फ्राई करके भी यूज़ कर सकते हैं अगर आप स्टीम नहीं करना चाहते। तो तेल कम लगे इसलिए मैंने स्टीम किया है। तेल हमारा गर्म हो गया है, इसमें हम आधा छोटा चम्मच जीरा डाल देंगे और उसके बाद हम इसमें एकदम बारीक चॉप किया हुआ प्याज डाल देंगे। तो मैंने चॉपर में चॉप किया है, आप चाहें तो मिक्सी में डाल के हल्का सा चॉप कर सकते हैं। अब इसमें हम हींग डालेंगे थोड़ा सा, क्योंकि बेसन यूज़ कर रहे हैं तो डाइजेशन के लिए काफ़ी अच्छा होता है। और प्याज को हम थोड़ी देर भून लेंगे। जैसे ही प्याज हल्का सा भून जाएगा इसमें हम डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। तो 1 चम्मच हम इसमें कुटा हुआ अदरक लहसुन डाल रहे हैं, आप चाहें तो पेस्ट का भी यूज़ कर सकते हैं। और बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे और इन सबको अच्छे से हमें भून लेना है। जैसे ही प्याज हमारा अच्छे से भून जाएगा गैस को हम लो फ्लेम पर कर देंगे और इसमें 1 चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और नमक हम स्वाद के अनुसार डाल देंगे। और इसे भी हम मिक्स कर लेंगे। गैस को इस अभी हमें लो फ्लेम पर ही रखना है क्योंकि मसाले जिससे जले ना, लो फ्लेम पर रहेगा तो मसाले हमारे जलेंगे नहीं। इसे बस कुछ सेकेंड के लिए मिक्स करेंगे, उसके बाद हम इसमें टमाटर का पेस्ट डाल देंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 टमाटर का पेस्ट बनाया हुआ है और इन सारी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद बस हमें मसाले को अच्छे से ढक करके पकाना है जब तक कि तेल इसमें से छोड़ नहीं देता। तो जब तक मसाले पकते हैं हम हमारे बॉल्स को चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए बॉल हमारा अच्छे से स्टीम हो गया है, देखिए बिल्कुल भी चिपका नहीं है, अच्छे से छूट गया है। तो बस इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं और ये हमारा हेल्दी पालक का बॉल्स रेडी है। जैसा कि मैंने बताया आप इसे फ्राई करके भी यूज़ कर सकते हैं अगर आप स्टीम नहीं करना चाहते, लेकिन ऐसे भी खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है और तेल भी कम लगता है। तो देखिए मसाले भी हमारे तैयार हो गए हैं और पालक की बॉल्स भी हमारी रेडी हो गई है। तो बस अब इसमें हम पानी डाल देंगे। तो पानी आप अपने अनुसार जितना पतला गाढ़ा ग्रेवी रखना चाहते हैं उस हिसाब से डाल लें। पानी डालने के बाद इसे हम मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें गरम मसाला पाउडर डालेंगे आधा छोटा चम्मच और इसमें हम थोड़ी सी कसूरी मेथी इस तरह से क्रश करके डाल देंगे। कसूरी मेथी का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। इसे डालने के बाद हमें मिक्स कर लेना है और ढक करके ग्रेवी को हम बस उबलने देंगे।
जैसे ही इसमें अच्छा सा उबाल आ जाएगा, जो हमने पालक के बॉल्स बनाए हुए हैं वो डाल देंगे। तो देखिए ग्रेवी हमारी उबलनी शुरू हो गई है, तब इस बॉल्स को हम डाल देंगे और इसे डाल के हम लो फ्लेम पर हम इसे 4 से 5 मिनट के लिए पका लेंगे, जिससे ये हमारी जो बॉल्स है एकदम सॉफ्ट हो जाएगी और ग्रेवी इसके अंदर तक एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो बहुत ज़्यादा टेस्टी और मुँह में घुल जाने वाला हमारी ये सब्जी बन के तैयार हो गई है। तो देखिए हमारी ग्रेवी अच्छे से पक गई है और काफ़ी गाढ़ी भी है। तो चलिए इसे सर्व कर लेते हैं। आप एक बार इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा। अगर रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दीजिएगा।